और अगर किसी को इसमें कोई वो हो, क्या कहते हैं, नाराजगी किया, तुमने कुछ मजेदार नहीं दिखाया, तो यार हमारी रेल बनी पड़ी है यहाँ पे, हम क्या मजेदार दिखाएंगे, हम खुद मजे नहीं ले पा रहे यहाँ पे, एक दूसरे की बेइज्जती मार के हम जा रहे हैं। हाँ जी नमस्कार। तो आज जीवन का शायद आठवां ब्लॉग है। हाँ, तो आज आठवां ब्लॉग बहुत समय के बाद हम डालने जा रहे हैं, क्योंकि देखो भाई हमारी हो गई थी तबीयत खराब कुछ, और थोड़े बहुत पेपर देने थे हमको, तो ड्यू टू सम बिजी शेड्यूल, ओ माय गॉड इंग्लिश, तो ड्यू टू सम बिजी शेड्यूल हमने व्लॉग नहीं डाला, तो आज हम डालने हैं। कल आए थे, रात को सो गए थे यार, मतलब बड़ा थकान वकान हो गई तो सो गए, फिर आज हम आए हैं मोलपुरी। आज हम आए हैं, कहाँ आए हैं, आज हम आए हैं अपनी दीदी के घर में, और यहाँ पे है आज रामायण। तो आओ तुम्हें दिखाते हैं क्या क्या सिस्टम है। हाँ तो भाई देश में सूरज उग चुका है और तैयारियाँ फुल चालू हो गई हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। कैन यू सी दिस, बैठा ही है हर्षित मिश्रा। बैठे देखो भाई जी, तो अभी मतलब वो क्या कहते हैं उसे, दरबार वरबार बनाया जा रहा है, आगे आगे जैसे प्रक्रिया चलेगी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और अभी जा रहा हूँ नहा धो के, तैयार व्यार हो जाऊँ, अभी थोड़ा शरीफ बच्चा बन जाऊँ मैं, तो गंदे हो गए कपड़े वपड़े सब, और बाकी आगे बताते हैं यार, बहुत लंबा ब्लॉग चाहिए, मतलब ज़्यादा हो गया, 9-10 मिनट हो तो वही कहते, आओ आगे बताते हैं। 5 minutes later आज मैं आपको एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ। अभी मैं चल रहा हूँ यूट्यूब, अभी उसकी तैयारी नहीं है मेरी यार। हमारे बीच टी ब्लॉक की आन मान शान, हेलो हेलो संजय पाठक, आइडिया ब्रांड, हेलो हेलो हेलो, ये हमारे छोटा भाई, ये हमारे पूजनीय जीजा जी, ये हाँ ये हमारे माय डियर फ्रेंड है मिस्टर संजय पाठक जी। ओके गुड, अभी हमारे भाई ने फोटो खिंचवाई है, आपको फोटो खिंचवाई कैसा लगा? आई फील प्राउडली, मैंने बहुत अच्छा महसूस किया फोटो खिंचाने के बाद। अच्छा, और क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? आ जाओ, बहुत बढ़िया लगा, ठीक है, फोटो खिंचवाते रहना चाहिए आदमी को हमेशा, बाकी खिंचवा लो, खिंचवा लो, बाकी आएंगे तो दो चार ही आनी है, लेकिन फोटो आदमी को हमेशा खिंचवाती रहनी चाहिए। जो जिस वीडियो को देख रहा है वो हमेशा फोटो खिंचवाता रहे, फोटो खिंचवाता रहे, मिस्टर संजय पाठक की बात माने, फोटो खिंचवाए। हाँ जी, तो जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए थे वो काम शुरू हो चुका है, यानी रामायण स्टार्ट हो गई है, आपको दिखाता हूँ नीचे चल के, बहुत शोर हो रहा है भाई, वीडियो नहीं मिल पाती, तीसरी मंजिल पे चढ़ने में हालत खराब हो गई है। अब संजय पाठक जी दाढ़ी छट कराने आए हैं, दिखाता हूँ। Thank you.
मेरे सॉक्स भाई पाठक जी फुल चमक गया। रुको अभी आते तो मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। पेमेंट कर रहे हैं देखो, देख रहे हैं क्या? पेमेंट कर रहे हैं अंदर, पेमेंट कर रहे हैं, रुक जाओ दिखाता हूँ तुम्हें। भाई साहब ये सैलून है कोई बढ़िया सा महंगा वाला यार, हमारे तो 60 रुपये वाले सैलून में जाते हैं हम तो यार, बड़ा महंगा सा लग रहा था ये तो। ये पाठक जी दाढ़ी वाड़ी काली करा ली मैंने, सही लग रहे हो KGF वाले लग रहे हो तुम तो। सही सही भाई, भाई अब पाठक जी ने आज अपनी दाढ़ी में बहुत ज्यादा खर्चा करा है, गाड़ी ये रही हमारी। पाठक जी के धन्नो। डेढ़ घंटे बाद पाठक जी है क्या? तो भाइयों और उनकी बहनों, पाठक जी चले पत्थर लेने, पाठक जी चले पत्थर लेने। भाई देखो पाठक जी और मेरी ड्रेस पीछे वाली क्लिप में कुछ अलग होगी, अभी हमारी ड्रेस कुछ अलग है क्योंकि हम दोनों भाई भीग चुके हैं। हाँ जी, और हमने अब कपड़े चेंज करके अब जा रहे हैं पत्थर की खोज में, पत्थर की खोज में, क्योंकि हमें कराना भंडारा। और हमारे जो इनसे जो बड़े वाले हैं, मतलब बड़े वाले वैसे मत लेना यार गलत फॉर्म में, बड़े वाले हमारे जीजा जी पूजी नहीं है, उन्होंने कहा था सारी व्यवस्था है, फेल हो गई व्यवस्था फेल नहीं हुई, पैर उठा दिए। हाँ उन्होंने इनको भेजा है इनकी व्यवस्था चेक करने के लिए, ये कैसी व्यवस्था करते हैं हमारे पत्थर लेने। भाई पत्थर की खोज पूरी हुई, सेठ जी पैसे अंदर डालते हुए। और अगर आपको अपने यहाँ भंडारा भंडारा करवाना हो तो संजय पाठक टी ब्लॉक वालों से संपर्क करें, इनका मोबाइल सब दी जाती है, पूरी व्यवस्था मिलेगी, खाना ऐसा मिलेगा कि दोबारा बुलाओगे नहीं। भाई वैसे हमारे भाई बहुत बढ़िया व्यवस्था में, देखो व्यवस्था इतनी अच्छी है, खाली हाथ चल लो, चारों के चारों मंडल मेरे को दे रखे हैं, देख लो। आओ भंडारे की तरफ आगे चलते हैं। भंडारे के बाद भाई ये पाठक जी है, पाठक जी टमाटर लेते हुए बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए टमाटर और सब्जी लेके आ रहे हैं, और इन्होंने सारा बजट ये पैर पे लग रखा पूरा सारा माल, ये बनेगा कल खाना। कितने जनों का खाना पाठक जी कल? 250 लोगों का खाने के लिए ये 25 किलो टमाटर और बाकी सब्जियां हम लोग लेके जा रहे हैं घर। और भाई आपको हमने कहा था कि हम जा रहे हैं भंडारा करने, तो भाई भंडारे वाली वीडियो में नहीं डाल पाया क्योंकि हम भंडारा खिला रहे थे, मतलब खाना पीना खिला रहे थे लोगों को, अब या तो हम खाना खिला लेते या तो वीडियो ही बना लेते। क्यों पाठक जी? पाठक जी की मेहनत से सफल हो रहा है सब। हाँ पाठक जी की मेहनत से सफल हो रहा है। पाठक जी जनित में जा रही है एकदम, जनित में जा रही है। हाँ अगले विधानसभा चुनाव में पाठक जी को वोट दें। जरूर 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 जरूर। तो भाई ब्लॉक के अंत में बुलाओ मैं, फिर से हम ब्लॉक के अंत में आए हैं। फिर से क्या मतलब, अभी तो आए हैं पाठक जी है लेटे हाय। और पाठक जी की हालत हो चुकी है खराब बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्हें वोट वोट मिले नहीं है। और भाई मैं आपको बताऊं, इनके हो रहे पीठ में दर्द। और देखो ये है कमरा हमारा लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये देखो एसी लगा है ऊपर, वो एसी लगा है, तो
इस घर में इतने मेहमान आ रहे हैं, हमने कहा यार अगर जगह छिकानी है तो भाई पहले सो जाओ जाके, वरना ऐसे तो नहीं मिलेगा। और वो पराठा लोग अपने मुंह के आगे कर लेते हैं। तो भाइयों आज बहुत थक गए बाटा जी, यार बाटा जी सोते हैं, कल मिलेंगे फिर आप लोगों से। ये आज पट परिचय दे दो। अच्छा देखो भाई, हमने इस अगर आपको ब्लॉग तो यार खैर देखो तो आपकी मर्जी, अच्छा लगे ना लगे, लगना चाहिए। और अगर किसी को इसमें कोई वो हो क्या कहते हैं नाराजगी की, यार तुमने कुछ मजेदार नहीं दिखाया, तो यार हमारी रेल बनी पड़ी है, हम क्या मजेदार दिखाएंगे, हम खुद मजे नहीं ले पा रहे यहाँ पे, एक दूसरे की बेइज्जती मार के हंसे जा रहे हैं। तेल निकल चुका है, अब तो बस ये है कि कोई कितनी चाय पिला दे, नींद आ जाए बढ़िया पाटे की। चलो फिर ब्लॉग एंड करते हैं, ताकि इसके अंदर पाटे जी को हमने फेमस किया है, किसान और गाना संजय पाठक, मिस्टर संजय पाठक। ओके जय श्री राम।